जनपद में आवारा गौवंशों की जान बचाएगा हिंदू योद्धा परिवार, 5000 गायों की बनाएगा गौशाला। आपको बता दें, लगातार अच्छे कार्यों से वाहवाही बटोर रहा हिंदू योद्धा परिवार एक और नई पहल शुरू करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी ने भी गौ माताओं को सर्वप्रथम सुरक्षित करने के लिए गौशालाओं का निर्माण कराया था, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर आवारा गौवंश घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि हादसों का शिकार हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। उसी कड़ी में हिंदू योद्धा परिवार ने गौवंश की सुरक्षा के लिए अब एक नई पहल शुरू की है, जिसमें सड़कों पर आवारा घूम रहे गौवंशों के लिए गौवंशों के सिंग पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई जा रही है। साथ ही जिन गौवंश के सिंग नहीं हैं, उनके गले में रिफ्लेक्टर से बनी माला गले में डाली जा रही है, जिससे कि सामने से आ रही गाड़ी की लाइट्स इन पर पड़ सके और वाहन चालक को गौवंश दिखाई दें और इससे हादसों पर रोक लग सके। एक साल के अंदर 5000 गायों की एक नई गौशाला खोलने का फैसला भी किया है। मैं चौधरी विशिंग काम्बोज, हिंदू योद्धा परिवार। हमने जो है एक नई पहल शुरू की है, जिसमें काफी समय से देखा जा रहा है कि जैसे कि सड़क पर गायें जो है, गायें गौ माता हमारी गौवंश नंदी वगैरह, ये जो है चलते फिरते रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो वाहनों से उनके काफ़ी एक्सीडेंट होने हो जाते हैं। काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि एक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में अधिक हो रहे हैं, तो उसी को मद्देनज़र देखते हुए हिंदू योद्धा परिवार ने एक मुहिम स्टार्ट की है, जिसमें हम गौ माता के गौवंश और नंदी महाराज के सिंह पर जो है एक रेडियम रिफ्लेक्टिव टेप जो है लगाई जा रही है, जिससे सामने आने वाले वाहन को दिख सके कि सामने जो है गौ माता या नंदी वगैरह आ रहे हैं और उस एक्सीडेंट को यह रोका जा सके। और जिन गाय के या गौवंश के सिंग नहीं है, उनकी जो है एक रेडियम टेप से बना जो पट्टा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हम लोग जो है उनके गले में डाल रहे हैं, ताकि सामने से अंधेरे में दिख सके कि सामने गौ माता या नंदी वगैरह आ रहे हैं। ये अभियान शुरू हुआ, इसकी सोच कितना चाहिए? अभी हाल ही में ही काफी, मैं अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर उत्तराखंड से ऋषिकेश की तरफ से आ रहा था, तो मैंने एक ही दिन में कम 3 गाँव का गाय का जो है हाईवे पर एक्सीडेंट होते देखा, जिसमें से 2 गायें मर चुकी थी और एक काफी चोटिल हो चुकी थी। तो तभी से दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ इन चीजों के लिए किया जाए, क्योंकि आप लोगों को भी भली बात पता है कि शहर में सैकड़ों गौशाला होने के बावजूद भी अगर हम किसी गौशाला वालों को फोन करते हैं कि यहाँ पर भी इस अवस्था में गायें यहाँ पर है, आप उसको ले जाइए या हम आपके पास छोड़ देंगे, तो हर गौशाला वाला का यही कहना होता है कि यहाँ पर जगह नहीं है और भीड़ होने के कारण हम यहाँ पर नहीं रख सकते। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए हिंदू योद्धा परिवार ने फैसला किया है कि बहुत जल्द हिंदू योद्धा परिवार के तत्वाधान में 5000 गौशाला जो है सहारनपुर में खोली जाएगी, जिसके कार्य में हम लोग अब आरंभ करेंगे, जिसका कार्य हम शुरू करेंगे अब, और ताकि जितनी भी गायें जो खुले आसमान के नीचे रहती हैं, वो खुले आसमान के नीचे ना रहे, उनके ऊपर भी एक छत हो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।